तो चलिए अब गुल्लू को छोड़ने के लिए जा रहे ट्यूशन। तो भाग रहा है अपना बैग लेकर दंदना के पास। क्या क्या पढ़ाई किया तू? इधर दिखा, तुमको सर मारे थे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे स्वस्थ होंगे। तो आज का मौसम देख ही रहे कैसा है, मतलब इधर का मौसम अब इसी टाइप का रहेगा लग रहा है। तो कल भी ऐसा था। पानी कहाँ गिर रहा? पानी टिप गिर रहा है, एक एक बूंद गिरता है। तो अभी भी गिर रहा होगा, कोई गारंटी नहीं, गिर ही रहा, एक एक बूंद गिर रहा है, बस कोई फायदा नहीं, ऐसे गिरते रहता है। और देख रहे हमारा गर्मी से पूरा लत्ती सूख गया, तो नंदिनी इसको नीचे उतार दी है, सब नोच नाच के हटा दिए। तो इसमें कुछ होता भी नहीं, अभी चालू हुआ, अभी तभी से बंद था। देखिए अभी गिरा था, तभी से नहीं गिर रहा था, अभी जस्ट चालू है, पर सूख गया था। तो देखिए उस खा मतलब मर गया रे क्या सूख के, तो इसको नंदी नीचे उतार दी, पूरा दीवार पे था, इतना सारा जंगल दिख रहे थे, एक भी नेनुआ नहीं। ये पूरा सूख जाएगा तो उधर कोना में फेंक के जला दिया जाएगा। अरे कस के आ गया बारिश, हम बोले ना पानी आ रहा है, रुक रहा है। अरे मेरे को जाना है दोस्तों, थोड़ा काम है, मतलब काम पे जाएंगे, थोड़ा सा काम है वो करने जाना है। तो अपना औजार तो हम निकाले हैं, देख रहे ना कितने दिन बाद हम निकाले औजार अपना। ये है मेरा औजार, काफी दिनों बाद निकला। हम आया भी हो गया दो तीन दिन घर पे, यहाँ पे क्यों दो दिन हो गया है, इतना गर्मी। इसको खिलाओ, ये तो खाना लेके बैठा हुआ है। ये खाना नहीं खाना है, बंद तो है ये मोबाइल, हमको पता है। तुम खाना खाओ, देख नहीं खा रहे खाना, छोड़ दीजिए। ये ना बहुत बदमाशी कर रही है, तो बहुत ना लाडो का है, इतना बदमाशी कर रही है। कोई काम तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा, हम काम पे जाएंगे, समझा, तुम यही रहेगा। ये कहाँ करने जाएगा, दूध लेके आएंगे। अच्छा दादी घर, तो हम ला देंगे बेटा शाम में, हम उधर से आएंगे तो दूध भी लेके आ जाएंगे। गुल्लू का घी दे दे, मच्छर मारेंगे। खाना दो, हम खाएंगे। नाश्ता बनाया कि नहीं? हम तो नहा धो के रेडी हो गए। नाश्ता बना हुआ है, आप भी ना बोले कि रोटी मत बनाओ, नहीं बनाया, हम बोले फिर लगाने रात का रोटी खा। मम्मी क्या, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, यही है, लीजिए बात कीजिए आप। इधर कौन बोलो, हेलो, हाँ तबीयत खराब था दोस्तों नंदनी का, पेट दर्द ज्यादा देता है ना, पता नहीं इसका यहाँ आने से दिक्कत होता है। जल्दी मेरा बनाओ, हम खा के जाएंगे। देख लो अति में आ गया, भेज दो सब घर का लग गिरे फ्रिज बेचे, फ्रिज बेचेगा। आशीष जी अपना औजार खोज रहे हैं कि क्या क्या चीज़। थोड़ा बहुत काम है, मैं पुराना काम है दोस्तों, तो जाना खुचड़ा काम होता है ना, काम होता है ना, जैसे रिपेयरिंग वगैरह, खुचड़ा काम रहने से और अच्छा रहता है ना जी आशीष जी। पार्ट टाइम काम है तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, टाइम भी पास हो जाएगा। मेरा लड़का यहीं पे रहेगा, पता नहीं, मेरा तो जीना जाएगा। गुल्लू काम पे नहीं जाएगा ना, काम पे देखा नहीं जाएगा, पढ़ने जाएगा ना, नहीं तो क्या करने जाएगा, क्या करेगा, पढ़ेगा कि काम करेगा। चटनी रोटी खाएगा, चटनी रोटी तो जा रहे यार, हम और बूचन घर पे रहेंगे, और गुल्लू भी क्या दादी घर नहीं जाएगा। तो चलिए आशीष जी तो जा रहे हैं, बाय बाय। सब देख रहे कि मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं। भाई जी तब घुड़ा दे तब भैया, चलो बेटा घर चलो। हाँ पापा चल गए, दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दो। तो चलिए अब दरवाजा लगाएगा, अब हम भी जा रहे घर का काम करने। देख रहे पूरे ये सब छितर बितर जितना भी, झाड़ू रू मारेंगे, बेड उड़ सरियाएंगे, नहाएंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। तो काम पे तो पहुँच गए हैं, यही लग घर पे काम करना है हमको, तो झाड़ू झाड़ने लगते हैं, ज्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम है देखते हैं। यही ना काम करने आए ना, सारा लोग सब में मतलब करीब 12-13 ठो होगा, उससे ज्यादा ही होगा। तो ये बाकी किए हैं और 3 ठो बचा हुआ,
एक लास्ट मतलब एक नीचे का ये लास्ट बचा हुआ है। करीब अभी कितना बज गया हुआ है, 3:30 बजे हुआ है, 11 बजे। थक गया दोस्तों, आते नहा धा के एकदम फ्रेश हो गए हैं, घर का सारा काम भी खत्म हो गया। और क्यों बाबू इतना जल्दी कैसे खत्म होना कि बगल में दीदी को दे दिए और आए एकदम फटाफट एकदम करने लगे कि यू गए और यू ना काम हो गया। बस थोड़ा सा बाबू रोई, नहाने लगे ना तब रोने लगे, तो फिर भी अब नहा के ना उठेंगे, अब क्या करेंगे। तो 5 मिनट वो चुपचाप कैसे भी रही, पूरा झाड़ू मारे, घर पोछे, हाँ सबको ही नहा लिए घर पे। अभी बुचन सोई हुई है और इसलिए ट्यूशन जाएगा। ट्यूशन जाएगा ना रे, हाँ जाएगा ना ट्यूशन। टाइम कितना हुआ, ला तो मोबाइल देखने दो, देखिए चार्ज अपने लगाया, 4 बजने वाला। चलो चलो ट्यूशन नहीं जाएगा, चलो चोटी बना देंगे, चलो अभी 9 मिनट बाकी है। बुचन ए बुचन भैया ट्यूशन जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम करेंगे ना। चलो इसको भी पहुँचाएंगे, ट्यूशन जाएगा अभी गुल्लू। ट्यूशन जाएगा ना रे, कहाँ बैग तुम्हारा, बैग कहाँ बैग, ये अपना कितना ये ले रहा है, इसमें पढ़ता है बीसीडी वाला बुक है, इसमें लो ये देखो तुम्हारा से लेट है, ये देखो ये वाला मत लेके जाओ, इस यही वाला लेके जाओ, ये रहने दो ठीक है। चलो हाँ बैग ला देंगे ठीक, ये अपने पापा को ना दोस्तों जाने टाइम बोले तो पापा बैग ला दीजिएगा तब इसको जाएंगे। अब ट्यूशन पहुँचाने के लिए थोड़ा सा आगे बाल बहान देते, तो चोटी भी बना दिए हैं और इसका कॉपी किताबें देखिए दोस्तों, ये स्लेट है और ये चौक है, इतना सारा चौक लेके जाता, और ये बुक ना गए थे ना गाँव को, आता ना ट्रेन में बेचने के लिए, तेल बुक लिए थे गुल्लू के लिए ना गुल्लू। हाँ ट्रेन से जाओ, झोला में रखो अपना, झोला में बैग ला देंगे, बोला झोला में डालो, ये देखो झोला है ना, झोला वहाँ पे झोला, झोला में रखो जल्दी। अब ये ना इसका बहुत ड्रामा होता है, लाओ इसमें रखो, इसमें रखो जल्दी। देख ले क्या देख रहा है, ये अच्छे पढ़ लेना, ए फोर पकड़ो, हाँ। अरे ये लड़का ना बहुत बदतमीज है, चलो चलो चलो। तो चलिए अब इसका बैग रखते हैं, उसके बाद फिर लेके जाएंगे इसको पढ़ाने के लिए, बुचन भी जाएगी पहुँचाने के लिए, क्यों अभी नाम आज ही से लिखा है तो ये सब पहले से ला के रखे हुए थे, तो थोड़ा बहुत घर में देते थे तो अपना घिसते रहता है, इसलिए बड़े कि ट्यूशन दे देंगे कि थोड़ा अपना टाइम टेबल हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो चलिए अब गुल्लू को छोड़ने के लिए जा रहे ट्यूशन, तो अभी गुल्लू चलो गुल्लू पार हो, चलो लल्ली से पार हो जल्दी, चलो चलो जल्दी, कैसे पार हो गया रख के नीचे नहीं लेंगे, बेचारा झोला लेके जाता है स्कूल, ट्यूशन जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, जाएगा कहाँ है तुम्हारा ट्यूशन, ऐसे तो फर्स्ट ही बार इसका ट्यूशन, चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो ट्यूशन, चलो जल्दी फटाफट, ड्रामा बहुत है, हाँ मार तो, चलो चलो जल्दी चलो, बैग उठा के चलो, अरे चलो ना इसका देखिए ना ड्रामा इसका बहुत ज़्यादा है, चलो जल्दी चलो, चल जल्दी चलो, ट्यूशन है ना, ट्यूशन हाँ 4:30 में, 4:30 बजे है, हाँ तो कल 4:30 बजे ना बजे हैं ये अभी, जाओ ट्यूशन ठीक है। यहाँ पर ना इनके मास्टर जी के घर है, मास्टर जी अभी सो के उठे क्या, हाँ तभी गुल्लू यहीं पे पढ़ा, वो अभी सीधा जाएगा पढ़ाई करना ठीक, हम जा रहे हैं ना, हाँ मैं भी चलूँगा, आप नहीं चलिए आप पढ़ाई कीजिए, अभी कोई बच्चा नहीं ना है इसलिए उसको बोला कि हम भी जाएंगे, यहीं रहो ठीक, आना बाद में, इसको लेके जाएंगे, तो पढ़ाई क्या करेगा तुम,
तेरा बहन को पकड़ा रहा है, भी पकड़ रही है। नहीं मारेंगे मास्टर। तो चलो इसको कैसे ही फुसला के रखेंगे, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तुम अभी क्यों आ रहा है, जाओ टीसान। जाओ जल्दी जाओ। नहीं इसको बहुत ड्रामा ऐसे करते रहता है, इसको ना छुपा के घर भागेंगे छोड़ के। जल्दी जाओ, प्यार से जाओ। नहीं जाओ, और भी बच्चा आएंगे अभी पढ़ने के लिए, जाओ। ये घर भाग रहा है, फिर मार खाएगा गुल्लू। तुम देख रहे कैसे भाग रहे हैं गुल्लू, तेरे भाग रहा है अपना बैग लेके। देखे दंदना के भाग भाग गया आपका बच्चा। भाग गया, फिर थोड़ा देर बाद उसको लेके आएंगे, उसका लौटेंगे। अभी देखिए मेरे को पागल कर देंगे, हम तो पागल ही हो जाएंगे एकदम वो लड़का का पीछे। चलिए उसको घर में लेके उसको थोड़ा भी रखेंगे 5-10 मिनट तक, उसके बाद बहुत आधा घंटा आराम कर लेते। चलो सीधा चल टीचर, ताहे नहीं आ? तो चलो इसको पहुंचाने चलते हैं ट्यूशन। तो चलिए ट्यूशन अब पहुंच गया, चल पकड़ो बैग लो, चलो चलो जाओ, चल हम भी चलेंगे। चलो हम भी पढ़ेंगे, बहुत भाग गया तू, लगा लीजिए तुम। एक बहुत रोएगा तो छोड़ के हम चले जाएंगे, वो अपना संभाल लेंगे। चलो दोस्तों अब चलते हैं, मेरा टेंशन खत्म। आसिफ जी भी अभी तक तो आए नहीं है, पता नहीं कब आए, वो रो रहा है। आज जितना रहेंगे उतना ही और लौटंगी करेगा पढ़ने में। काम भी कर लिया, झाड़ू बर्तन जो भी काम था सारा कर लिया, कपड़ा पड़ा उठा के। ना बेटी इतना रोती है ना कि मैं पूछे, इसका भाई तो रो रहा था, अभी फिर भी जोर दोस्ती भेज दिए हैं। और अमरूद है दोस्तों कोई दिए हैं तो देखिए, अब इसको काटेंगे और इसको खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। तो गुल्लू आ गया ट्यूशन से, आ गया ना बेटा ट्यूशन से। आज क्या क्या पढ़ाई किया तुम, इधर दिखाओ। तुमको सर मारे थे, मार खाया था उसको ट्यूशन में, इधर दिखाओ ना गुल्लू। क्या आइस्क्रीम के लिए चाहिए, पापा लेके आए हैं। आइस्क्रीम लेके आएगा पापा, मेरा आइस्क्रीम है, तेरा आइस्क्रीम। जाओ कॉपी रख दो, बैग रख दो, घर में रख दो, जा लल्लो जा बेटा जा, गंदी बात नहीं करते। जाओ 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 जाओ, रख के जाओ, बैग रख दो जाओ। हाँ अभी आ गया बेचारा ट्यूशन से, उसको बोला पापा मेरे को आइसक्रीम ला देगा। जब भी मैं गए थे ना छोड़, फिर दोबारा तो उसको डांट रहे थे। ये साग दिख रहे हैं कितना सारा हुआ यहाँ पे साग, जा रहे हैं सब्जी तो है मगिर, अभी बोल रहे हैं कि करेला बनाएंगे। पकड़े दीदी बहुओं को, आसिफ दू को करेला तोड़ के रखे हैं, कह रहे सब्जी बना दे, तो है करेला है देखिए इसमें, हमको सब्जी लाने के लिए यही सब है, इतना बड़ा बड़ा बड़ भी नहीं रहा, तोड़ दे। वो देख अंदर में है, ये वाला वो देख निकाल दे वहाँ, हाँ दू नीचे में भी है बीच में, जा रहे अभी ये सब तोड़ते हैं। छोटा ही छोटा करेला है, इठो नीचे। अरे क्या करेंगे, बड़े भी नहीं करता और कहाँ नहीं दिख। अरे ओए तो तेरा हाथ का नीचे हो तो ये सब बहुत ज्यादा छोटे छोटे, तोड़ लो। और एक है नहीं देख रही हो जा। हाँ देखे रहने दे, चट्टू में करेला क्या होगा, सब्जी तो बनाएंगे, प्याज भी तो रहना चाहिए। और दू को है बड़ा बड़ा करेला है घर में दी, इतने अब बाकी है ही नहीं, बहुत छोटा छोटा है। तो 5 करेला टूटा अभी, बहुत छोटा, अगर जो बड़ा बड़ा होता ना दीदी तो आधा किलो जैसा नहीं होता अब। अरे अभी ना दोस्तों मार्केट में टमाटर बाप रे 100 रुपये किलो, जब हमारा बगान में टमाटर था 20 रुपये किलो, 25 रुपये कोई पूछ नहीं रहा था। अगर जो दीदी 100 रुपये किलो रहता तो कमती नहीं बेचते थे बड़े नहीं गए। तरबूज है, जाओ तोड़ लो,
कहाँ है तरबूज? जंगल पे है। उसने यहाँ पे ना एक तो तरबूज दिखा तो बोलते मम्मी ये तरबूज है हम तोड़ ले, तो पता नहीं हरा तो है रे, तोड़ेगा रे तुम? अरे रहने दो बेटा बाद में खाना ठीक, अब इसको बड़ा होने दो, बाकी तरबूज घास ना सारा मर गया। चलो ये आखिर में तुम तोड़बे करेगा रे? मत तोड़ बेटा, नहीं तोड़ रहे ये माँ, देख रहे लास्ट में तोड़, उसमें कुछ निकलेगा देख रहे हैं, तोड़ दिया जो देखो। चलो तरबूज मिल गया, इसका बाप आज देखेगा तो मेरे को खूब गाली देगा, कहेगा कि अभी वो बड़ा होता तो खाते नहीं तरबूज। भैया तरबूज तोड़ा गया पगली, तरबूज खाएगी? ये देखो ये देखो, चलो तरबूज तोड़ भी क्या तो हम क्या करें। चले अब हम इधर रखते हैं इसका, अब सब्जी काटेंगे। ये रहा दो ठो करेला और फ्रिज में है दो ठो करेला, इसका भी सब्जी है सब अभी नहीं बनाया। ये देखिए मम्मी दो ठो करेला है इतना बड़ा बड़ा, देखो निकालो उसको, निकालो उसको, निकालो निकालो उसको, तो क्या करेंगे अभी काटा है तो हटा हटो हटो। चलो कुछ है नहीं फ्रिज में, चलो इतना ही है करेला, इसको बनाते हैं सब्जी आने तो भुजिया। आखिर में दोस्तों तरबूज कटवाया, कुछ नहीं था, उजला दिख रहा है, इसको खाएगा तुम? हाँ। पता नहीं कैसे खाएगा, ये देखें पागल लड़का इसको ऐसे करके खा जाएगा। चलिए अब हम जा रहे हैं सब्जी उब्जी काटने के लिए, और आशीष जी तो बोला कि फ़ोन किए थे दूसरे के मोबाइल, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, फ़ोन किया तो बोला अभी नहीं आएंगे, करीब बज जाएगा 8 से 9 बज सकता है। बाबू लोगों को खिला पिला के सुलाने जैसे गए और उसे इतना जोर से पानी आने लगा कि ना मत पूछे, देखिए पूरा भीगने लगा है, देखिए इतना जोर का बारिश होने लगा, पता नहीं आशीष जी कब आएंगे, देख रहे हैं इतना बारिश हो रहा है, देखिए पूरा इधर भी तो पूरा अंधेरा, सारा भी अंदर अंदर किए जितना भी है पूछना पूछना था। एक उल्लू चलो सोने, चलो बारिश होना ना, बारिश हो रहा, बारिश तो हो ही रहा है दोस्तों, पता नहीं आशीष जी कब आएंगे, इतना टाइम हो गया है, अब भूचंद को भी नींद आ रहा है, सो नहीं रही, इसको भी तेल मालिश कर दिए हैं कि अब सो जाएगी, सो ही नहीं रही तो क्या करेंगे। मेरा घर ज़्यादा हवा चलेगा ना तो फिर हमारा घर पूरा गंदा हो जाएगा, क्यों पूरा ना हवा चलता है ना तो पूरा धूल मिट्टी अंदर आता है। तो आशीष जी अब भी आए हैं फ़ोन कितना करने के बाद, अभी जस्ट हाँ तो फ़ोन कितना किए थे? फोन तो बंद था मेरे, कब के फोन बंद था, फिर दोबारा कैसे रही फोन करके दो फोन किया, चार्ज करवाए दूसरा से तब ना। बाप रे बेचारा महान काम, खाना खाए कि नहीं खाए? हम नहीं बनाए आपका हिस्सा खाना, हम बने हुए नहीं कि आपका हिस्सा का खाना खाएंगे, हम नहीं लाया, वो एक आई थी ना आंटी वो ला के दी, लाई है सब्जी तड़का, हम बनाए हैं मसूरी का सब तड़का है तो रख देते हैं। नहीं आपके लिए तो इंतज़ार करेगा कि मेरे बाप पापा आएगा तो मेरे लिए लेते आएगा, नहीं गल गया कोई गारंटी अभी के नहीं दिली, गल गया है क्या पता, रखना फ्रिज में अंदर जल्दी, लाइन ही नहीं है तो कहाँ लाइन, भी किस्मत है इतना खराब है कि लाइन भी नहीं, फ्रिज इतना है बर्फ है फ्रिज में। और क्या लाए? दूध, दूध भी लाए, प्याज भी लाए, भुट्टा भी लाए, क्या क्या लाए, कितना प्याज, दो किलो, और आलू नहीं लाए? कहाँ झूठ बोल रही तुम, आलू है नहीं एक को तो बोला नहीं ना, तुम नहीं लाते, हो गया आप खा लेंगे कल मुंडी बनाएंगे आपको, जो बोला हम लाते हैं हमको मत बोलो, अभी रोटी बनाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे ऐसा बात हो रही तो पता, कितना कमाया पैसा तो दीजिए, पैसा ज़्यादा नहीं कमाया, हाँ जिठा कितना होगा, 300-500 हम बोले ना 500 होगा, क्या करेगी मेरा है हमने कमाने के, कितना दिया काम का है बताइए आप, सच सच बताइए, 600 रुपया सामान नहीं लाए, नहीं दिख रहा 600,
और एक्स्ट्रा पैसा होगा पॉकेट में आपके पास? सामान कितना आया? सामान का सामान तो 200 का होगा। कैसे 200 रुपया? आइसक्रीम प्याज 80 रुपया का। प्याज दे दिए प्याज का पैसा तो सियाना दिखा तो मुँह दिए होंगे। हाँ तो देंगे ना बाद में। अभी दिए तो सियाना कितना तो चले देते सामान। अब रखते हैं, अब जा रहे थोड़ा सा रोटी बना देते हैं, फिर हम भी खाएंगे। आपका आशा मैं भी नहीं खाने तो खा के हम सो जाते पता है। चलिए खाना भी बन गया है तो देख सकते हैं रोटी है। पहले से ही बनाए थे, रोटी अभी बना। हाँ तो बनाए ना, ये करेला का सब्जी है, तड़का है, दो अभी देने आए थे वही लाए। हम अपने लिए ना तीन रोटी बना लिए थे। तीन रोटी खा लेते हैं, तीन चार रोटी बनाए। खाना ना बनिए, खा लेते हैं जल्दी से, ठंडा हो जाएगा। इससे ठंडा हो गया, पूरा मौसम बारिश हो रहा था इधर। प्याज लेके आए, लहसुन मिर्चा लेके आए, लहसुन का लाए, आलू नहीं लाए। तुम जो बोला वो ला दिए समझी ना, अब बाद में बोलेगी तो कहाँ से होगा। चलिए खाते हैं पहले। बस 10 रुपए का आइसक्रीम ला के फुसला। 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया का सामान गुल्लू बोला था तो तिल्ले क्या गुल्लू के लिए ला हम मेरे लिए। तिल्ले को है, गुल्लू के लिए है, दोनों के लिए एक ठोला दिया दोस्तों। के बाद में बोला ना पूछ के लिए वो दोनों बाट के खाना। मैया वैसे भी नहीं खाती है बहुत की। चलिए खाते पहले खाना दोस्तों। खा लिए दोस्तों आइसक्रीम, नंदिनी खाई दो डोल आए थे तो गुल्लू के लिए, तो नंदिनी के लिए। गुल्लू तो सो गया है तो बच्चा नंदिनी खाई गया। और क्या गल गया है क्या? हाँ गल गया है, सच में गल गया। टाइट की सच में गल गया, सच में गल गल गया। सॉरी दोस्तों आपको नहीं दिया, खाने में तो आगे नहीं लाते ना दोस्तों आइसक्रीम तो हम पता नहीं क्या करते, मार हो जाता मार। इसलिए आइसक्रीम लेके आ गए थे। गुल्लू तो सो रहा है, वो सुबह उठेगा उसके लिए रखे रहेगा, सुबह खाएगा। और चिप्स भी ला दी तो खुद फ़ोन करके मेरे को बोला पापा मेरे को चिप्स चाहिए। तो आलू चिप्स वो ज़्यादा खाता है इसीलिए आलू चिप्स ला दिए। तो चलिए अब ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते दोस्तों, चलते। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक बाय बाय।